नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बफर जोन के पास नॉर्थ कराची में फुटबॉल ग्राउंड के अंदर, जो एक फैमिली फेस्टिवल लगा हुआ है इसके बाहर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ के मनाजिर, बाहर यहाँ कोई सिक्योरिटी के खातिर खान इंतजाम नहीं किए गए। देख सकते हैं वहाँ में कितना बड़ा रश यहाँ मौजूद है, कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त यहाँ फैमिलीज यहाँ मौजूद हैं इस फेस्टिवल में। ये फैमिली फेस्टिवल है जो 26 जून तक जारी रहेगा, 10 जून से 26 जून तक ही जारी रहेगा। जी नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे और लोगों से ये बात कर सकें। अस्सलाम। कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, हमारे बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। झूला झूला आपने? झूला अभी बच्चों को बिठाया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो घर में मतलब लाइट नहीं है, बिजली नहीं? कल सारा दिन लाइट नहीं थी, बहुत परेशान हो रहे थे। गर्मी से तंग आकर, हालात से तंग आकर आप यहाँ पर आए? मजबूर होके आए हैं, क्या करें, बच्चों की जितनी भी जमा पूंजी थी सब जमा करके। के इलेक्ट्रिक की बदमाशी है के लाइट लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, जिस बिना पर आंटी यहाँ पर आई है ना, इतना परेशान करेंगे, क्या कर रहे हैं, परेशानी हो रहा है ना। जी आप क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी यहाँ आके मेरे बच्चे खुश हुए, मैं भी खुश हो गई, यहाँ आके महंगाई भूल गए थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए खुश हो गए, थोड़ी देर के लिए खुश हो गए, महंगाई ज्यादा? महंगाई बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत स्ट्रेस में थे ना घर पे, यहाँ आके थोड़ा रिलैक्स फील कर। देखा नाज़रीन, आप देखें कि वज़ीर आज़म साहब, आप देखें कि आपने इतने टेंशन दिए हैं और लोग परेशान हो गए। बहुत टेंशन दिए, इमरान खान को हटाया कि महंगाई बहुत है, खुद बैठ गए डबल महंगाई कर दी। अच्छा, इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए? बहुत ज्यादा होने चाहिए, लेकिन टिकट जो है यहाँ रिजनेबल। इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए? जी ऐसा होना चाहिए बच्चे, ताकि सब लोग अपने घर के गम जितने भी हैं परेशानियाँ सब आके यहाँ खत्म कर दें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फैमिली मौजूद है, बहुत तंग है, बहुत ज्यादा तंग है, हालात से तंग है, के इलेक्ट्रिक से तंग है, अपने घरों को छोड़कर यहाँ पर है। जी नाज़रीन, मैं इमरान अजीज, Kain 24 HD न्यूज़, कैमरामैन सिकंदर अली के साथ कराची। नाज़रीन, हमारे यहाँ पे एक फैमिली मौजूद है जो इस वक्त बच्चों के झूले के बाद मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा, आप यहाँ फैमिली फेस्टिवल में आए हैं तो आपको कैसे महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है, इलाके में से एक्टिविटी होनी चाहिए, बहुत टाइम पर ऐसा कुछ हमारे यहाँ पे मेला लगाएगा। हालात इतने महंगे हो गए हैं, इतनी महंगाई हो गई है कि हर बड़ी जगह पे बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा आजकल ना, लेकिन छोटे छोटे इवेंट्स होते रहे तो गली इलाकों के अंदर इवेंट्स होते रहे तो लोग बच्चे भी इंजॉय करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कराची में ऐसा ये माहौल बहुत पहले हुआ करता था, काफ़ी टाइम बाद ऐसा कुछ ऐसा लगने के लग रहा है कि कुछ हो रहा है काम वाम यहाँ पे, अब कुछ अच्छा लग रहा है, बच्चे आगे इंजॉय कर रहेंगे, माहौल भी अच्छा लग रहा है, सब फैमिली वाले सारे, कोई वैसा कुछ ख़राब सीन नहीं है। अच्छा, यहीं पर रहते हैं? जी मैं यहीं पर ही रहता हूँ, करीब में ही रहता हूँ मैं। थैंक यू सो मच सर। जी नाज़रीन, देखा कि आपने जिस तरह फैमिली इंजॉय कर रही है, फैमिली बता रही है कि ऐसे फेस्टिवल होने चाहिए यहाँ पे, ताकि जो है ना आवाम को सहूलतें मिलती रहें, क्योंकि हर जगह जाना आवाम की बस में नहीं रही। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे एक और फैमिली मौजूद है, इनसे बात करते हैं। फैमिली कब से आई हुई है और क्या इंजॉय कर रही है? जी बताइए, आप कब से यहाँ आई? मुझे 2 घंटे हो गए। तो आपने क्या क्या इंजॉय किया? बहुत सारे झूले झूले, बहुत सारी राइड्स ली हैं आपने, कौन कौन सी राइड्स ली हैं? मैंने मक्के कुएं में भी गई थी अभी, और अभी मैंने ये डोली वाली भी राइड्स ली है, अभी तक ये 2 ही ली हैं। शॉपिंग वॉपिंग की तो स्टोर भी लगे हुए, काफ़ी चीज़ें सस्ती मिलती है, कॉस्मेटिक का सामान वगैरह? नहीं ये सब नहीं है। करने का इरादा है? नहीं इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, देख रहे आपने सुना कि इन्होंने 2 घंटे से आए हुए, उन्होंने काफ़ी राइड्स यहाँ ले चुकी हैं और अभी भी इनका दिल नहीं भर रहा, यहाँ जाने का दिल नहीं कर रहा। जी नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे यहाँ पे और फैमिली से हैं उनसे ही बात कर सकें। नहीं लेकिन महंगाई देख रहे हो आप, जगह जगह पर बर्बाद हो गए यहाँ के। अच्छा, आप गुटखे खाते हैं? जी। क्यों खाते हैं? मज़ा आता है। मज़ा आता है। अच्छा, अभी आप जो घर से आए हैं जी, तो घर पर लाइट थी? हाँ लाइट थी, अल्हम्दुलिल्लाह लाइट थी जी। हमारी लाइट नहीं जाती। लाइट नहीं जाती, कौन सा इलाका है आपका? लालू खेत याकताबाद। लालू, यार ये तो बात सुने, लोग तो यहाँ पर अक्सर हमने मालूम किया है कि लोग तंग आकर यहाँ पर आए, कि गर्मी है, शिद्दत है, लोड शेडिंग है, तो इस वजह से लोग आए। नहीं नहीं हम इस वजह। अच्छा, आपके इलाके में लाइट नहीं जाती, आप लोग बिल भरते हैं ना? बिल भरते हैं, इस वजह। नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पर जो है बाहर है, इधर आओ, क्या कहना चाहोगे? मजा आ रहा है, मौत के कुएं में गया था। क्या झूला आपने? मैं मौत के कुएं में गया था। हैं? मौत के कुएं में गया था। अबे मौत के कुएं में गए थे ये भाई, मौत के कुएं में गए थे? हाँ। नहीं करो यार। हाँ। मोटरसाइकिल चल रही थी और आप तो नहीं घूमे? नहीं। बच्चे मजा कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, नाज़रीन फैमिली इंजॉय कर रही है। इसके अलावा आप ये बताइए कि मुझे कि लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक की बदमाशी, लोग इतना हजूम है इसी वजह से?
चले हम बच्चे से बात करते हैं। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर आज घर नहीं जाना, सही है, यही रहना है। क्या नाम है आपका? मरियम। बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सबको, अपनी अपनी जगहों पे सब माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ मौजूद है DMC के जो वार्डन हैं, जो यहाँ पे सिक्योरिटी के सरप्राइज इंतजाम संभाल रहे हैं, जिन्होंने यहाँ सारे इंतजाम संभाले हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इंतजाम जो संभाले हैं ये बहुत बेहतरीन इंतजाम संभाले हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर खड़े हो जाइएगा ज़रा। सर ये बताइएगा, जो इतना ज़बरदस्त फैमिली फेस्टिवल लगा हुआ है ये, इसके बारे से सर बताइएगा वहाँ पर। हमने तो अपना DMC की तरफ से रेस्क्यू का हिसाब किताब संभाला हुआ है। यहाँ रेस्क्यू के बारे में देख रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त फैमिलीज यहाँ मौजूद हैं, और इस वक्त जो है लोग घर में लाइट नहीं है, लोग परेशान हैं, आवाम परेशान है, महंगाई की वजह से परेशान है। दूसरी बड़ी जगह पे जो इवेंट्स होते हैं वहाँ पे फैमिलीज जा नहीं सकती महंगाई की वजह से। ये एक छोटा इवेंट यानी कि छोटी जगह है, किराया भी कम है, टिकट भी कम है, और फैमिली खूब इंजॉय कर रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? एक अच्छा माहौल बना हुआ है, एक अच्छा वो बना हुआ है कि कम पैसों में तफरी भी अच्छी खासी है, जिसमें ये बच्चों की अच्छी चीज़ें लगी हुई खेलने के, एक अच्छा सा माहौल बनाया हुआ। अच्छा ऐसे इवेंट्स होने चाहिए जो गली हर जगह पे होना चाहिए, यहाँ नहीं सब जगह होना चाहिए। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, DMC की ये वार्डन से जिन्होंने बताया कि इस तरह के इवेंट जो है वो होने चाहिए, इससे जो है ना सस्ती तफरी लोगों को फराम होती है। इस वक्त लोगों के घरों में लाइट नहीं है, लोग अज़ियत के शिकार हैं, वो यहाँ पर इस वक्त पहुँचे हुए बड़ी फैमिलीज, बहुत बड़ी तादाद में फैमिलीज पहुँची हुई हैं और इस इवेंट को इन्जॉय कर रही हैं। ये फेस्टिवल फैमिली फेस्टिवल है, और आपको दिखा सकता है हमारे कैमरे दिखाया है कितनी बड़ी तादाद में यहाँ फैमिलीज यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त जो है फैमिलीज अभी भी इस वक्त फैमिलीज आ रही हैं, हालांकि बंद करने का टाइम हो गया, फैमिलीज इस वक्त अभी यहाँ पे आ रही हैं। और आपको मैं दिखा सकता हूँ ये हमारे ये एंट्रेंस है, इसके बाद एंट्रेंस से यहाँ कितनी बड़ी तादाद में अभी फैमिलीज यहाँ पे आ रही हैं। जी नाज़रीन, हमने आपको आज दिखाया कि N24 सच की आवाज़ ने आज आपको दिखाया फैमिली फेस्टिवल के पूरा तरीके से, यहाँ पे फैमिलीज आई हुई है, किस तरह यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे किस तरह यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, ये सब आपको N24 सच की आवाज़ ने दिखाया। ना कोई वॉक थ्रू गेट लगाया गया है, ना कोई चेकिंग के इंतजाम हैं। आप जो मेरे पीछे मोबाइल देख रहे हैं, ये मोबाइल भी इस पार्क की इंतजामिया ने नहीं बुलाई है, ये मोबाइल भी खुद अपनी ड्यूटी का फर्ज अंजाम दे रही है। हमने अंदर भी देखे, अंदर कोई सिक्योरिटी के खासे इंतजाम नहीं है। आजकल आपको पता है कि हालात कैसे हैं, जहाँ पर रश होता है, फैमिलीज मौजूद होती हैं, वहाँ कोई खुदा खास्ता दहशतगर्दी का वाक़ हो जाता है। अगर अल्लाह ना करे यहाँ कोई हादसा रुनमा हो गया, तो अंदर उसे निमटने के लिए कोई फोर्स मौजूद नहीं है। ये इतना बड़ा इवेंट तो ज़रूर लगा दिया, लेकिन कोई खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए, ये एक सवालिया निशान है सारे इदारों पर और पुलिस वालों पर, एक सवालिया निशान है, हुकूमत पर सवालिया निशान है कि इतने बड़े इवेंट्स को बिना सिक्योरिटी की इजाज़त कैसे दी गई। हमने आपको अंदर के मनाज़िर दिखाए, अंदर भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, ना कोई वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं, ना किसी तरह का यहाँ पर कोई सिक्योरिटी के इंतजाम किया गया है। जहाँ तक चंद गज के फासले पर थाना है, अगर थाने को इंगेज करके यहाँ पर इनसे प्रॉपर सिक्योरिटी बुला ली जाती तो क्या जाता, लेकिन ये एक सवालिया निशान है तमाम इदारों के लिए कि ये अगर खुदा ना खासा कोई वाकया रुनुमा हो गया तो उसके जिम्मेदार कौन है। जी नाज़रीन, कैमरामैन सिकंदर अली के साथ मैं हूँ मोहम्मद असद, KN24 सच की आवाज़, कराची।